वही बात अब अयोध्या की करेंगे, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। और इस बीच 1 जून को राम मंदिर के गर्भगृह के आधारशिला सीएम योगी आदित्यनाथ रखने जा रहे हैं। श्री राम तीर्थ क्षेत्र की देखरेख में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण लाल पत्थर से किया जा रहा है। विधिवत पूजा के बाद 1 जून को गर्भगृह के लिए पहली शिला रखी जाएगी। वही राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने कहा कि निर्माण पूरा होने पर रामलला 24 जनवरी 2024 के शुभ मुहूर्त पर यहाँ विराजमान होंगे। बता दें कि राम जन्मभूमि के बगल में द्रविड़ शैली में भव्य और अलौकिक रामलला देवस्थानम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें भगवान के 24 अवतार और देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही 31 मई से 4 जून तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं 1 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। इस मंदिर का निर्माण रामकथा के मर्मज्ञ जगतगुरु डॉक्टर राघव आचार्य ने ये जानकारी दी है और बताया कि तैयारी अब पूरी हो चुकी है। एक कार्यक्रम का प्रयोजन है, मुख्य कार्यक्रम यह है कि अयोध्या में रामकोट में स्थित श्री रामलला सदन देवस्थान अत्यंत प्राचीन स्थान है। लगभग 350 वर्ष पुराना स्थान था, अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था। इस स्थान का मेरे सहयोगियों के द्वारा मिल करके इसका जीर्णोद्धार संपन्न हुआ और यहाँ पर भव्य द्राविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। और अब 31 मई से 4 जून तक मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्रतिष्ठा संप्रोक्षण का विशिष्ट कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 1 जून को पधार रहे हैं और उनके कर कमलों से भगवान के मंदिर का उद्घाटन एवं लोकार्पण होगा। अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।